गुड न्यूज़ है, सीटेट 2023 का जो 20 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आपको भी ध्यान से देखना है क्या आपके भी एडमिट कार्ड में एनसीटी का कोई निर्देश है कि नहीं। साथ ही बीएड कैंडिडेट बहुत ध्यान से देखें अपने एडमिट कार्ड को, ताकि उस पर किसी तरह का कोई इस तरह की बात ना लिखी हो जिसको लेकर के अभ्यर्थी बाद में परेशान हो। तो एडमिट कार्ड का लिंक जारी कर दिया गया है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और जैसे ओटीपी या कैप्चा जो भी दिखेगा डाल करके लॉग इन कर जाएंगे, यानी कि साइन इन कर जाएंगे और आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। अब आपको हम बताते हैं क्या एडमिट कार्ड में एनसीटी का कोई निर्देश है। तो कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है एनसीटी द्वारा। जिस तरह पहले सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते थे, यानी कि 2 दिन पहले एग्जाम सेंटर पता चलता था और 10 से 15 दिन पहले एग्जाम सिटी पता चलता था, सेम वही प्रोसेस चल रहा है। एनसीटी की तरफ से कोई निर्देश उस पर नहीं दिया गया है। साथ ही बात करें क्या बीएड कैंडिडेट के लिए कोई स्पेशल निर्देश है कि एडमिट कार्ड आप जारी तो हो जा रहा है लेकिन बाद में रिजल्ट वगैरह मान्य नहीं होगा, या एडमिट कार्ड में कुछ ऐसी बात लिखी हुई है कि बाद में यदि आप एग्ज़ाम देने के बाद कोई रिजल्ट वगैरह में कोई बाधा आती है तो इसके लिए जिम्मेदार खुद अभ्यर्थी होंगे, एनसीटी नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी, इस तरह की क्या कोई बात लिखी हुई है? तो जी नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं लिखी हुई है। सिंपल, जैसे सीटेट का एडमिट कार्ड आता है वैसे ही आया है। बाकी आपके एडमिट कार्ड में क्या इशू आया है उसको आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो लोग पहली बार डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उनके सामने थोड़ी सी दिक्कत ऐसे अभ्यर्थियों को आ सकती है जिन्होंने अपना एग्जाम सेंटर ही चूज किया था अन्य डिस्ट्रिक्ट के लिए। जैसे बिहार यूपी का कोई कैंडिडेट है या झारखंड का है, राजस्थान का है, रहता लेकिन वो दिल्ली में है, या रहता वो बेंगलोर में है या केरल में है, उन्होंने सेंटर वहाँ डाला था लेकिन ऑफलाइन होने की वजह से सबका सेंटर एक जगह दे दिया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि जो अदर स्टेट में रह रहे कैंडिडेट हैं उनका उनके होम डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि उनके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है या उनके दिए गए एड्रेस प्रूफ में जो कि सीटेट की वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भरा गया था, उसके अकॉर्डिंग उनका सिटी जो है चेंज दिखाएगा। तो ऐसे लोग परेशान ना हो, ऐसा पहले ही हो चुका है, 10-15 दिन पहले ही बता दिया गया है सीटेट द्वारा। तो जो लोग डायरेक्ट चेक करेंगे उनको ये चीज़ें परिवर्तित नज़र आएंगी। बाकी आपके एडमिट कार्ड में क्या नया है, क्या वैसे ही है जैसे पहले होता था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।